बिहार की गया में विदेशी महिला की काली भक्ति चर्चा का विषय बनी हुई है। महिला का दावा है कि माता काली ने उन्हें सपना में दर्शन दिया। इसके बाद वो बिहार आई और सनातन धर्म को अपना लिया। अब वो माता की भक्ति में लीन है। लोग बताते हैं कि थाईलैंड से आई इस महिला का नाम अरुणवी है। उसका व्यवहार कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे माता उसके शरीर में आ गई है। वो माँ काली के जैसा गुस्सा, जीभ निकालने भी लगती है। लोग मंदिर में उसे माता काली का रूप मानकर दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों ने बताया कि महिला सातों श्रृंगार करके रोज मंदिर में बैठती है, जहां उसके दर्शन के लिए लोग आते हैं। इसके साथ ही वो भक्तों को आशीर्वाद भी दे रही हैं। लोग उसे बड़ी माँ या थाई देवी के नाम से बुलाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूरे नवरात्रि में माँ उसके शरीर में रहती हैं। महिला ने बौद्ध धर्म छोड़कर सनातन धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही काली मंदिर के निर्माण के लिए लाखों रुपए खर्च किया है। वो आमदनों में जनता की सेवा भाव में जुटी रहती है। जैसे जैसे लोगों को स्थाई देवी के बारे में जानकारी मिल रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। थाईलैंड से आई हैं, इनका नाम अचान अरुणवी है इनको, लेकिन बड़ी माँ से बनारस में सारे लोग जानते हैं। और इनका दावा है कि ये पहले 2003 में आई थी, तो इन्हें माँ काली का दर्शन हुआ था सपने में। तो ये पूरे भारत भ्रमण करने के बाद जब यहाँ आई तो यही बोले कि यही काली मंदिर में ही, यही काली माँ हमें दर्शन दी थी, यहाँ बुलाई है। और ये उनमें ये बास करती हैं कभी कभी। अरे अब देख रहे हैं कि सबको अब माता जी को सब अब आजकल हम लोग के हिंदू देवता देवी देवताओं के प्रति किस तरह से रुझान है। और ये खुद अपने आप को वहाँ थाई देवी के नाम से प्रसिद्ध है थाईलैंड में ऑलरेडी। और इनका मेन सेंटर सिंगापुर में है, और भी जगह इनका सेंटर है जो कि ये संस्था चलाती हैं बहुत गरीब बच्चों और बाकी लोगों के लिए जो बेसहारा औरतों हैं, उन लोगों को ये बहुत ही मदद करती रहती है हमेशा हर चीज़। खास करके ये इंडिया में बौद्ध धर्म को लेकर आई थी ऐसा ना करती। ये तो बिलोंग कर रही थी बुद्धिस्ट फैमिली से, लेकिन इनके अचानक से स्वप्न में जो देवी का दर्शन हुआ तब से ये अपने आप को हिंदू में परिवर्तन कर दी है। और हमेशा इनमें ये दावा करती हैं कि इनमें माँ काली का वास होता है, इसीलिए लोग बहुत सारे भक्त इन पर विश्वास करते हैं। इनके बहुत सारे भक्त, ये 2003 के पहले ही आया था, तो 2003 में ये भारत आई थी। ये अपने जब देश में थी उसे जी हाँ, और इसी मंदिर के लिए ही आया था।